याद करो अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। दिल्ली में अगर झंडा लग गया है खालिस्तान का और बंबई में लगेगा नागालैंड का। डर गए आप मेरे सवालों से, इतना डर गए कि आप एकदम बीच में इंटरप्ट करके भागे। तो वो भारत करवा रहा है, रो करवा रही है बेचारी बेचारी। अभी अभी मैं इनको सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी के एक्स कर्नल ने और भारतीय पत्रकार ने पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा और डॉक्टर फिजा की बोलती बंद कर दी, जो भारत के खिलाफ झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। देखिए भारतीय बर्बरियत का सिलसिला गुज़श्ता हम देख रहे हैं कि इतने सालों से, मतलब 7 decades गुजर चुके हैं, इतने सालों से जारी है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत ने वादी की जो हैसियत है वो तब्दील कर दी। वादी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेल में तब्दील कर दिया। ये है कि जब तक मुसलमानों को दबाते रहेंगे तो इनकी हुकूमत रहेगी। देखिए नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा सोफिस्टिकेटेडली, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात और हिंदू मुस्लिम तकसीम की हुई है, और जो उनका अगला प्रोपेगेंडा है वो ये है कि हिंदू सिख तकसीम हो ताकि वो सारे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर सकें। जो डिप्लोमेट्स हैं उनको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, उनको दरख्त दिखा रहे हैं, पहाड़ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जनाब बड़ा सुकून है। सुकून तो होगा जब लोगों को घरों में बंद किया है, उनके बुनियादी हकूक मुअत्तल किए हुए हैं, वहां पे जमहूरियत नाम की चीज नहीं है, वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुए, वहां पे दिल्ली से सरकार चीजें चलाती है। सो मैं सर एक भारत वो है जो मुसलमानों का भारत है, और वो भारत है जो कश्मीरियों का भारत है, जहां पे ना कोई बुनियादी हकूक जैसे हकूक है, ना वहां पे खवातीन और मर्दों को कोई हकूक है। अगर मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से चले उसको कहते हैं ये लव जिहाद है, ये जिहाद कर रहा है लड़का क्योंकि ये एक हिंदू लड़की के साथ घूम रहा है। ये है भारत की आजादी का पैमाना डॉक्टर साहबा, के एक मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ चलेगा तो जो एक अरब से ज्यादा हिंदू है वो डर जाते हैं। वो भारत कश्मीर में किस तरह जुल्म कर रहे हैं, आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानते? क्या देखिए झूठ के पहाड़ पर बैठी पाकिस्तान की हुकूमत को हमारा संदेश 4 पंक्तियों में स्पष्ट है। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। पीओके के नाम पर जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, पीओके में आपके यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, दुनिया से अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। पीओके चाहिए, कभी न्योता क्यों नहीं देते पाकिस्तान में दुनिया के पर्यवेक्षकों को कि आकर पाकिस्तान के हालत भी तो जनाब एक बार देख ले कम से कम। सर्वविदित है कि पाकिस्तानी हुकूमत की दाल रोटी भारत के भरोसे चलती है, लिहाजा वहां के सियासी दल नफरत की आग पर सियासी रोटियां सेकते हैं। जब पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण होते हैं तब जुबान नहीं खुलती, लेकिन भारत में पत्ता भी ले तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान के साफी ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के पास जो धन दौलत आई है वो कहां से आई है, कौन सा ऐसा खजाना उनके हाथ लगा है। इधर उधर लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में इतनी संपत्तियां पाक सेना के अधिकारियों के पास कहां से आई हैं? और अभी कश्मीर में आप लोग जो यूरोपियन पार्लियामेंट के सहाफियों को ले गए हैं, ब्यूरोक्रेटों को ले गए हैं, आप उनको वहां पर दरख्तों की ज्यारत कराने, पहाड़ों की ज्यारत कराने, आप लोगों से मिलाएना। अभी आप यूरोपियन टुकड़े तुम लोगों ने किए, हम तुम्हारे इससे ज्यादा करेंगे। 15 तो आप लोगों के टुकड़े हो चुके हैं, अभी हमारा हमसाया तो खालिस्तान हो चुका है। दिल्ली में अगर झंडा लग गया है खालिस्तान का और बंबई में लगेगा नागालैंड का, अभी ऐसे ही आपके टुकड़े होते जाएंगे। आप हर बात को घुमा के कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। इजाजत से कोई जवाब है भी या नहीं? भाई आप लोगों के जवाब सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं, आप लोगों के सवालों का नहीं है, आप लोगों के पास भी आपका जवाब नहीं है। अच्छा मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब फिजा खान प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान
कि जो लोग बैठे हुए हैं तख्तियां लेकर मिसिंग पर्सन की, उनके पास जाके उनके दुख दर्द की बात करें और आम लोगों को बताएं। इमरान खान से सवाल पूछें कि दरिंदे हमारे मुल्क में ये क्या दरिंदगी हो रही है, इसको काबू क्यों नहीं करता। मैं उस फिर शिजा खान को सलूट करूंगा जब वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जाएगी और पूछेगी कि वहां पर इंटरनेट क्यों नहीं है। ये जो अखंड भारत है, हमने कश्मीर तो कोई चीज ही नहीं है ना। आप देखें कहां श्रीलंका, जहां भी थोड़े थोड़े हिंदू मौजूद हैं वहां पे बीजेपी की और भारत की हुकूमत होगी। ये एजेंडा है, मुसलमान एक हिंदू, सिर्फ हिंदू राज करेगा। जी 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 करण साहब, दुबे जी मैं आपकी तरफ आते हूं। कर्नल धनवीर सिंह साहब जी बताइएगा, इतना डर गए आप मेरे सवालों से, इतना डर गए कि आप एकदम बीच में इंटरप्ट करके भागे। प्रोपेगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि मियां मिट्टू के पास आप कब जाएंगी और ये पूछेंगी कि 16-16 साल की लड़कियों को अगवा करके और वो मुसलमान क्यों बनाता है। कब जाएंगे आप सिंध के गांव के अंदर और हिंदुओं की हालत वहां पूछेंगे कि वहां पर उनके ऊपर जुल्म क्यों होता है। क्यों आपके मुल्क में अहमदियों के ऊपर जुल्म होता है, क्यों आपके मुल्क के अंदर शियाओं को मारा जाता है। क्या बात है फिजा, ऐसा क्या कारण है कि आपके मुल्क से बांग्लादेश अलहदा हो गया और अब वो खुशहाली के रास्ते पर है। कुछ तो होगा आपके, आपकी साजिश थी वो, नरेंद्र बलूचिस्तान में जितने मसाइल हैं अगर थोड़े बहुत हैं तो वो भारत करवा रहा है, रो करवा रही है बेचारी बेचारी। अभी अभी मैं इनको जरा थोड़ा सा जवाब देता हूँ। तो ईयू डिसइन्फो लैब की जो है रिपोर्ट पढ़ लिया करें आप, जरा ये भी बता देते कि ईयू डिसइन्फॉर्मेशन लैब क्या है। ईयू कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है, ईयू आपका ही एक पाकिस्तानी फंडेड एनजीओ है जिसकी रिपोर्ट लहराकर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा खुश हो रहा है। आपकी अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई, आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे, कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे। और कभी सुरंगों से आतंकी भेजते हैं तो कभी एफएटीएफ में गृह सूची में होने पर ही खुशी होती है पाकिस्तान में। हिंदू क्या, अब तो अहमदिया मुसलमान भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहा। अपने के ऊपर 1,75,000 तक का कर्ज है और खैरा से घर नहीं चलता तो देश कैसे चलेगा। और सीमा साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर फिजा के प्रोग्राम देख ले, वो पीटीआई की तनकीद करती है, इमरान खान की तनकीद करती है या मरियम नवाज का मजाक उड़ाती है, तो ये भी एक बार जरा थोड़ा चेक कर ले, फिर आपको पता लगेगा कि कौन क्या करता है। और आप बलूचियों के हाल पूछेंगी और जो मिसिंग पर्सन है उनको ढूंढने में कुछ मदद करेंगी, ये आपसे उम्मीद रखते हैं इंसानियत। आप लोग बलूचिस्तान के बारे में जो इतनी बात करते हैं, बहुत से ममालिक में बहुत से मामलात होते हैं लेकिन उन मामलात को गलत रख देने की कोशिश ना करें। आपके मुल्क में बहुत से मामलात ऐसे होंगे, आर्गुमेंट से बात करें। चीना की बहुत अच्छी दोस्त है, एक मिनट वो जाके वहाँ पर एक वीडियो बना के ले आई, आप भी चली जाइए एक बार जाके बात तो करके आइए, आप ही के पाकिस्तानी भाई है वो। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठी हुई हूँ, आप पहले मेहमान मैंने देखे जो एंकर से उल्टा सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं, आप एक एंकर से सवाल क्यों पूछ रहे हैं भाई, आप मेहमान। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भारत को नीचा दिखाने और झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।